हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन तरका। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपने 2 मीटर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये मेरा कॉटन का कपड़ा है और इस तरह से मैंने 2 मीटर कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर रख लिया है। अब इसके बाद हम दोस्तों इस साइड से अपने कपड़े को उठाते हुए यहाँ पर हम 16 इंच की यहाँ चौड़ाई रखेंगे, यानी कि टोटल ओपन करके 32 इंच इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पर हम 16 इंच इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी इस तरह से 4 लेयर यहाँ पर बन जाएंगी। तो ये जो मेरी यहाँ पर ये देखिए चौड़ाई यहाँ पर 16 इंच इस तरह से बैठ रही है। तो इस तरह से हम 16 इंच नाप लेंगे फोल्ड करते हुए। अब जो हम अपनी लेंथ रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं 30 इंच रखूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 30 इंच पर इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी, यानी कि हमें अपनी लेंथ यहाँ पर कट करनी है। अब इसके बाद जो हमारा इधर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम उसको निकाल देते हैं। ये हमारे 16 इंच चौड़ाई में कपड़ा है इस तरह से फोल्ड करते हुए, और ये कपड़ा हम बाद में यूज़ करेंगे जो एक्स्ट्रा हमारा बचा हुआ है। तो हम दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग कर ली है, यानी कि जो मैंने लेंथ निकाली है वो टोटल 30 इंच निकाली है। ये देखिए, हमारी यहाँ पर 4 लेयर हैं। तो जो हमारी टोटल लेंथ है दोस्तों, मैं नाप कर भी दिखा देती हूँ, ये 30 इंच है और जो चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है वो 16 इंच ली है। अब इसके बाद दोस्तों, जिस साइड से हमारा कपड़ा ओपन है, यानी कि ओपन साइड से हम यहाँ पर अपने शोल्डर का यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से साइड में, याद रखिए हमें ओपन साइड में लगाना है, और यहाँ पर जो लेंथ रखेंगे यानी कि जो आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो यहाँ पर 5.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक निशान इस तरह से बना लेंगे, और इस तरह से यहाँ पर निशान अपनी लाइन को ड्रॉ करते हुए, याद रखिए लंबाई 5.5 इंच और चौड़ाई हमने यहाँ पर 3 इंच रखी है। अब इस तरह से अपने आर्म होल की हम शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल की शेप लगकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। याद रखिए हमारी ओपन साइड है, इस तरह से हम यहाँ पर इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कट हो गया है इस तरह से। अब इसकी कटिंग करने के बाद दोस्तों, हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, अब हम उसको लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको ओपन कर रख दिया है, और इस तरह से हमने यहाँ पर एक पट्टी निकाल ली है, जिसकी चौड़ाई इस तरह से रखते हुए इंची टेप हमने यहाँ पर 42 इंच ली है, और लंबाई हमने यहाँ पर 8 इंच ली है। अब इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस पैटर्न को इस तरह से, यानी कि जो हमारी पट्टी है इसका इस तरह से रखते हुए, याद रखिए इसके ऊपर बिल्कुल सीधी साइड ही इस तरह से पट्टी को रखते हुए हम पहले फोल्ड कर लेंगे, और इसका पट्टी का अपनी यानी कि सेंटर निकाल लेंगे, बीच वाला हिस्सा इसका भी हम बीच में यहाँ पर हल्का सा कट लगा लेंगे। हल्का सा कट लगाना है जिससे हमारा बीच सेंटर का पता चल जाए। तो यहाँ पर भी हमने अपने बीच सेंटर पर हल्का सा कट लगा लिया है। अब इस तरह से इसे रखते हुए और अपनी पट्टी को इसके ऊपर बिल्कुल सीधा रखते हुए, जो हमारे बीच में हमने सेंटर का निशान लगाया है उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए, हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। याद रखिए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आर्म होल की है, यहाँ पर 6.5 या 7 इंच पर इस तरह से हम एक निशान लगा लेंगे दोनों साइड, और अपनी यहाँ पर जो लास्टिक लेंगे, हम यहाँ पर 14 इंच की लास्टिक ले रहे हैं इस तरह से, और इसे इस तरह से यहाँ पर सीधा रखते हुए सिल देंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी पट्टी को अपने शोल्डर पर इस तरह से सिल लेते हैं, जो हमारी 8 इंच वाली पट्टी है लंबाई में, और चौड़ाई में यहाँ पर 42 इंच वाली है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिल कर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी लास्टिक लगाएंगे, जो हमने 7 इंच पर अपने आर्म होल से निशान रखा था, यानी कि जो कमर पर लास्टिक लगाएंगे हम। तो इस तरह से कपड़े को खींचते हुए और अपनी लास्टिक को खींचते हुए हम इस तरह से अपनी लास्टिक को लगाएंगे। चाहे तो दोस्तों आप निशान भी लगा सकते हैं, जिससे आपको लगाने में इजी होगा, आपको ये पता लगेगा कि हमारी लास्टिक सीधी लग रही है। तो इस तरह से हम अपनी लास्टिक को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये दोनों पार्ट अपने सिलकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हुए ये देखिए इस तरह से एक सीधा और एक उल्टा, इस तरह से यानी कि जो सीधा भाग है दोनों अंदर आने चाहिए। अब इस तरह से हम इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रख देंगे और साइड से जो हमारी पट्टियाँ हैं इधर को दोनों पट्टियों को अटैच कर देंगे, सिल देंगे और यहाँ से हम इसमें फिटिंग अपनी लगा देंगे सिलते हुए। और इस तरह से हम एक इलास्टिक लेंगे। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पर इलास्टिक ली है ये 32 इंच चौड़ी ली है और इसको मैं सिल लूँगी। तो मैं इसको सिल लेती हूँ अपनी इलास्टिक को। अब इसके बाद इस पार्ट को जो ऊपर का पार्ट है उसको इस तरह से बीच में लगाते हुए, इससे पहले हम अपने इस तरह से उठाते हुए ऊपर की साइड से याद रखिए और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इन्हें आपस में मिलाते हुए। और इस तरह से इसको इस तरह से मिलाते हुए अब यहाँ पर ये देखिए इस तरह से यानी कि फोल्ड करके हमने इस तरह से मिला लिया है। अब यहाँ पर हम अपना बेस सेंटर पर हल्का सा निशान लगा देंगे। आप कट भी कर सकते हैं इस तरह से, हल्का सा कट करना है जिससे हमें बेस सेंटर का पता चल जाए। इस तरह से, और साइड में आपके ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है तो आपको यहाँ पर पता है। अब इस तरह से इस इलास्टिक को भी हमें इस तरह से करना है और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है इस जगह पे और इस किनारों पर इस तरह से। तो हमें यहाँ पर चार भाग इस तरह से बनाने हैं। अब बीस सेंटर वाला इस तरह से हम यहाँ पर उल्टी साइड रखते हुए अपनी इलास्टिक को यहाँ पर उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पिनअप कर देंगे। फिर जो हमारा इस तरह से किनारे पर एक सिरा पिनअप कर देंगे जो हमने निशान लगाया, यानी कि चार भाग बनाए थे हमने, तो यहाँ पर पिनअप कर देंगे। और इस वाले को इस किनारे से पिनअप कर देंगे जहाँ हमने निशान लगाया था, यानी कि इसका चौथा भाग यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी इसको पिनअप कर देंगे। इस तरह से, और जो हमारा दूसरे पार्ट का यानी कि इस साइड का बीस सेंटर रह गया है इस पर इसे पिनअप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड सर्कल बन जाएगा और इसी तरह हम खींचते हुए इलास्टिक को यहाँ पर सिलाई से लगा देंगे। तो इस तरह से हम अपनी सिलाई को लगा देंगे। इससे हमें दोस्तों ये रहेगा कि कितने एरिए में कितने इलास्टिक का यूज़ होगा, आपके बिल्कुल घूम इस तरह से बिल्कुल सेट बैठेंगे। तो आप कपड़े को और इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम यहाँ पर इस तरह से इसको सिलकर चारों तरफ अपने कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और इसे कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए हमने लगा ली है। अब इसे इस तरह से ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी अब सिलाई हम चारों तरफ अपने लगा देंगे। तो इसे भी हम सिलकर अब कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से, और इस पर सिलाई लगाना हम स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों इसको भी अपना सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये देखिए सिलकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इस तरह की ये लेस ली है, इसके ऊपर हम इसे यानी कि तनी अटैच कर सकते हैं। आप चाहे तो बिना तनी के भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों ये मेरा स्टेप लगाकर यहाँ पर लुक आ रही है, आप खुद देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा हमारे ड्रेस लग रही है। आप इसको टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, मिडी के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो इस तरह से हमारी ये लुक आएगी। और आप बिना स्टेप के अगर चाहें तो दोस्तों बिना स्टेप के हमारी कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये आप पर डिपेंड है दोस्तों, आप कौन सी ड्रेस बनाना चाहेंगे, स्टेप वाली या विदाउट स्टेप वाली। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ड्रेस पसंद आई और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस तरह के वीडियोज़ आइडियाज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।